हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों. आज हमारा सेकंड डे है. मैंने आपको हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और कल हम लोग आ गए थे. हमने वहाँ पे डिनर विनर पैक कराया और फिर हमने रूम पे आके ही खाया था, क्योंकि आदित हमारे साथ तो बिल्कुल भी बाहर कुछ खाने नहीं देता. तो हमने यहीं पे आके रूम पे ही खाया था. उसके बाद हमने सो गए, काफ़ी लेट हो गया था. और अब आज हमारा सेकेंड डे है. आज हम जाएंगे वहाँ, मैं आपको लेके जाऊँगी. अभी मुझे पता नहीं फिलहाल कहाँ जाएंगे. जहाँ भी जाएंगे मैं आपको लेके चलूँगी. और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे. मतलब बहुत थोड़ी दूर दूर डिस्टेंस पे हैं ये जो आपके घूमने के डेस्टिनेशन है, वो थोड़े ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं. देखते हैं आज कहाँ जाएंगे. हम लोग कोंडापल्ली फोर्ट आ चुके हैं. यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा. पर पर्सन 30 रुपीज़ टिकट है, और अगर आप कैमरा लेके आ रहे हो तो उसका 200 चार्ज है. तो हम कैमरा लेके आए हैं तो हमने चार्ज पे किया है, और टिकट आप लोगे. एडल्ट की 30 टिकट है. यहाँ से इसकी एंट्री है, उसके बाद आप ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री कर जाओगे आप फोर्ट में. एंटर करते हैं. यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज़ हैं राजाओं महाराजाओं की. ये है स्कैन. अब पता नहीं ये क्या है, यहाँ तो लिखा नहीं है कुछ भी, बस यहाँ पे बना हुआ है. काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये. यहाँ पे सारी हिस्टोरिकल चीज़ें बनाई हुई हैं. कोंडापल्ली फोर्ट अराइवल व्यू ऑफ द, ये सारे मैप यहाँ पे बनाए गए हैं. और ये छोटा सा म्यूज़ियम था, उसके बाद यहाँ से ये आपका फोर्ट स्टार्ट हो जाता है. काफ़ी बड़ा मैंने आपको दिखाया, जैसा कि मैप में बहुत बड़ा है. यहाँ पे टाइमिंग है दोस्तों, यहाँ ये 4:30 बजे क्लोज़ हो जाता है. और घूमने में मतलब यहाँ पे काफ़ी समय लगता है. ये देखिए, ये बहुत बड़ा किला है. अभी हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ से घूम के आएंगे. बहुत बड़ा है, दूर दूर तक एकदम, मतलब आप इसे घूम नहीं सकते एक दिन में. ये देखिए, जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था, बीच बीच में कटा हुआ है, तो यहाँ से भी जा सकते हो. छोटे छोटे कट बने हुए बीच बीच में. ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से सारा किला दिखाई दे रहा है काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ के. यहाँ पे मतलब टूटे टूटे पत्थर हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ऐसे बहुत सारी पहाड़ी टाइप है. वहाँ से खड़े हो गए अच्छा खासा व्यू दिखाई दे जाता है, और बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ से, आप कहीं भी निकल सकते हो. यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपको अगर फ़ोटो खींचने तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसी जगह हैं, स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप फ़ोटो खींचोगे तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी. यहाँ पे दोस्तों रॉयल प्रिजन तोप खाना, अभी हम वहाँ जाएंगे. ये मैं आपको दिखाऊं, ऐसे बीच बीच में बहुत सारे गेट हैं जो आप कहीं भी निकल सकते हो. और यहाँ पे स्टेयर से हम यहाँ पे जाएंगे, ऐसे बिल्कुल बीच में से, जंगल में से रास्ता बना हुआ है यहाँ पे जाने के लिए. काफ़ी बड़ा किला है, अगर आप घूमोगे तो घूम भी नहीं पाओगे. मतलब पूरे किले को एक क्या हो, जंगल के अंदर किला बना रखा है, पूरा जंगल ही लग रहा है ये. ये लोग वापस लौट रहे हैं. ये देखो कितने बड़ी बड़ी चट्टाने हैं यहाँ पे. ये जेल है इतने जंगल के बीच में. यहाँ पे जेल दिखा देती हूँ मैं आपको, कैदियों को कैद करते थे यहाँ पे. बिल्कुल अंदर अंधेरा है. ये
अरे ये कितना पुराना दरवाजा है। यहाँ पे दूसरी जेल है, लोग घुसे जा रहे हैं इसके अंदर। अंधेरे में कुछ मजा नहीं आ रहा इनको। यहाँ पे हम दूसरी वाली जेल के अंदर है। यहाँ बहुत सारे चमगादड़ है, बहुत बदबू भी है। चूचू चूचू आवाज आ रही होगी। तब तो साफ रहती होगी। अब ऐसे जेल का गेट, हाँ ये जेल का गेट है, इसमें तो तोड़ भी नहीं सकता कोई। यार इतने पुराने जमाने के लोहा है, इंग्लिश अभी तक बरकरार है। यहाँ पे किले के पीछे ये जगह है। यहाँ से आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा। ये देखो पूरा शहर बसा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए पूरा ऐसा लग रहा है क्लाउड में कोई शहर बसा हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है यहाँ का। लोग काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कराते हैं, पूरी की पूरी फैमिली आई हुई है। ये देखिए फ़ोटो क्लिक हो रही है। अभी हम भी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। मज़ा आया काफ़ी यहाँ पे आके। अच्छा है, खूबसूरत है और बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं यहाँ पे देखने के लिए। अभी हम जस्ट आए हैं कोंडीपल्ली फोर्ट से और ऑटो से आए हैं हम। और यहाँ पे भी हम आए हैं राजीव गांधी पार्क। राजीव गांधी पार्क के बाहर ये मेला लगा हुआ है क्योंकि अभी दशहरा चल रहा है ना, नवरात्र दशहरा, तो उस टाइम पे शायद मेला लगा हुआ है। वैसे शायद नॉर्मली नहीं लगता होगा। यहाँ पे कनक मंदिर है और ये सारा मेले का सामान मिल रहा है। यहाँ पे आपको खाने पीने का बहुत सारा सामान मिलेगा, शॉपिंग का बहुत सारा सामान मिलेगा। अभी देखेंगे अंदर पार्क कैसा है, मैं आपको दिखाऊंगी। खाने पीने के सामान में आप सारी चाट, यहाँ की फेमस जो एक चाट है मिर्ची वड़ा, वो खाइए, वो बहुत टेस्टी है। मैंने खाया था, मतलब काफ़ी टेस्टी है, अच्छा है। वो कहीं नहीं मिलता, वो यहीं मिलता है, तो हमने वो ट्राई किया था, वो अच्छा था। और यहाँ का टिकट है, ये लोग अभी मेरे घर वाले टिकट ले रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है राजीव गांधी पार्क, ये इसका एंट्री गेट है। ये मैंने एंट्री कर लिया है। यहाँ पे एंट्री टिकट है, एडल्ट को 20 रुपीज़ टिकट है और अगर आप कैमरा वगैरह ला रहे हो तो उसका भी टिकट है। तो यहाँ पे हमने टिकट ले ली है और हम एंटर कर चुके हैं। ये है राजीव गांधी पार्क। तो यहाँ पे इनकी ये स्टैचू लगाया गया है, लिखा तो इसमें तेलुगु भाषा में है, यहाँ कुछ भी समझ नहीं आएगा। और इधर खेलने की, बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे एक डायनासोर हो गया वहाँ पे, वो मटका है, व्हील है, ये सब है यहाँ पे। और झूले हैं, बच्चों की ट्रेन भी है, मतलब आप यहाँ पे फाउंटेन चल रहे हैं, काम भी हो रहा है फिलहाल। अच्छी जगह है, झूले हैं बच्चों के, बच्चों के साथ आओगे तो अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। आदि यहाँ पे मजे मार रहा है, देखो आदि यहाँ पे फुल मजे कर रहा है। अब ये थोड़ी देर में यहाँ पे ट्रेन में बैठने की इज्जत करने वाला है। ये ट्रेन यहाँ पे देखो, बच्चों के बहुत सारे झूले हैं और यहाँ पे ये बच्चों के लिए गेम्स भी काफी सारे इसके अंदर, इस नेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ पे ट्रेन है जिसमें भी हम सवारी करेंगे। देखो बहुत सारे झूले हैं, शायद अभी लाइट नहीं जल रही, लाइट जल जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा और सुंदर लगेगा। और यहाँ पे शायद पानी बहता होगा, इसीलिए ऐसा पार्क सा क्रिएट किया और ये पुल बनाया गया जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ। और आदि आ रहा भाग के। ये, ये, मतलब काफ़ी अच्छा है राजीव गांधी पार्क, बहुत मतलब अच्छा है। वहाँ पे भी बहुत सारे पिक्चर्स के लिए, अगर आपको फोटो क्लिक करनी है तो बहुत सारे स्पॉट ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ पे इन्होंने कि आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। पार्क के साथ साथ इन्होंने ये ऐसा रास्ता क्रिएट किया है कि यहाँ से शायद पानी आता होगा तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। यहाँ पे बहुत सारी पार्क जिसमें ब्रेस लगा सकते हो, गेम्स हैं।
ये यहाँ पे झूला है बच्चों के लिए, इन सब का टिकट है, आपको अंदर इन सब का टिकट लेना होता है, उसके बाद आप गेम खेल सकते हो। यहाँ पे ट्रेन का टिकट मिलेगा, और ये ट्रेन में चढ़ते हुए हम लोग सबसे पीछे वाला डब्बा लिया है हमने, क्योंकि इसका कंपोजिशन सबसे सही है, बाकी सब में ऐसा फ्रंट फ्रंट है खाली। हमारी ट्रेन चल चुकी है, आप देख रहे हो बैठे पड़े हैं, सबसे पीछे बैठे हैं क्योंकि इसमें ये वाली सिटिंग थी, थ्री चेयर्स लगी हुई थी, डेस्क लगे हुए थे हमारी फैमिली के लिए, वरना हर जगह दो दो लगे हुए हैं, दो दो थी सर, एक दो दो लगे हुए। हम यहाँ पे स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं, तो अभी हमने खाई थी मिर्ची भाजी, अब हम खा रहे हैं यहाँ पे पानी पूरी। यहाँ पे पानी पूरी अलग तरीके से देते हैं, ये देखो आप नॉर्मल जैसे देते हैं वैसे नहीं दे रहे हैं, और इधर पानी अलग दिया जाता है, और इसके अंदर गरम छोले डाले जाते हैं, जैसे टिक्की में होते हैं वो वाले छोले इसमें डाले जाते हैं। और ये है इनकी मिर्ची भाजी, इसी में मसाला और प्याज वगैरह डाल के देते हैं, ये मिर्च है। और ये है यहाँ पे स्ट्रीट फूड वड़ा, अब हम वड़ा ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। ये है पूरी और करी, केले के पत्ते पे दी है यहाँ पे इन्होंने, ये यहाँ पे पापड़ है, नमकीन है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज फेमस है। और ये है यहाँ पे नमकीन, यहाँ पे इमरती है खाजा, आप लोगों ने देखा होगा खाजा, हम ट्राई करेंगे कैसा है यहाँ पे खाजा। हमने अपने चैनल पे इसका वीडियो भी बना के डाला था, अब यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ये कैसा है, ये पता नहीं क्या है। और ये सारे स्वीट है, ये सब मीठा है, सब मीठा है ये। यहाँ पे बूंदी ऐसे पैकेटों में मिलती है, ये बालूशाही है, ये शायद कराची हलवा है, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी है, अभी हम ट्राई करेंगे ये कैसी कैसी है। ये क्या क्या है ये वाला है, इनका मैसूर पार्क है, मैसूर पार्क।